तीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने। एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो, ये मजा लेता है तुमसे। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है। और बिना जाने किसी चीज में कूद जाओगे तो सुसाइड ही है, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु, अर्जुन, दुर्योधन, ये पात्र जो है ना, ये आपके लिए शिक्षा है। दुर्योधन जिद्दी, सुनना ही नहीं किसी की, किसी की तो सुनो यार, सुनना ही नहीं। अभिमन्यु आधा जानकारी लेके घुस गया, लौटा ही नहीं। अर्जुन, उसके पास हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का परमानेंट शिकार रहता, हर ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम नहीं हो तो भगवान ने सीधा हाथ तुम्हारे सर पर रखा है। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है, किसका? द्वंद का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद। हर इंसान द्वंद का शिकार रहता, हर इंसान। और छोटी छोटी जगहों पे तुम गाड़ी खरीदने गए स्कॉर्पियो, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहां मिल गया, और तुम व्हाइट रंग की लेने गए थे, मिल गया वो व्हाइट रंग की, वो स्कॉर्पियो ले रहे हो, व्हाइट कलर सारा कफन का कलर है यार, तुम भी व्हाइट कलर का ले रहे हो, ब्लैक कलर का ले रहे हो, और पीछे लिखा हो महाकाल। अब तुम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, यार सही तो कह रहा है, मिर्जापुर में कालीन भैया भी काली रंग की वो रखे हुए हैं। इसीलिए इस देश ने गुरु को बड़ा महत्व दिया कि जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो कि क्या करे सर, ये करो, बस डन। तुम अगर जीवन में द्वंद्व से बाहर आ जाओ ,95% लोगों को द्वंद्व खाया जाता है। ऑप्शनल क्या रखें? ऑप्शनल तुम जर्मन रख लो, अरे सर। और एक दिन पूछे तो ठीक है, पिछले 6 महीने से पूछ रहे हैं। सोशियोलॉजी सोचे थे लेकिन बबलू भैया को नंबर ही नहीं मिल रहा, 4 बार से दे रहे हैं। बबलू भैया यूपीएससी के एम्बेसडर हैं, सर हम सोचते हैं दिल्ली में कि लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं सर, तो हम उनसे कंपीट कर पाएंगे? यही बात अगर टीना दाबी सोच ली होती। टीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने, 21 साल में फर्स्ट रैंक। उसके सामने भी तो भीष्म पितामह थे, उसके सामने भी तो राजेंद्र नगर में पाषाण काल से पड़े हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टोन एज से मार दी फर्स्ट रैंक। तुम अपना देखो ना भाई, ये मजा लेता है तुमसे, तुमसे बाहर कोई मजा नहीं लेता, यही लेता है। ऐसे एक विचार फेंक देता धीरे से, ये ले मान लो यूपीएससी बंद हो गई 5 साल बाद, तब तुम जब तक कमजोर रहोगे शरीर और मन के स्तर पर, महत्वाकांक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मन का मतलब है द्वंद, और कमजोर आदमी तुरंत द्वंद का शिकार हो जाता है। अच्छा सोशियोलॉजी में नंबर नहीं मिलते, अब 4 लोग कह दिए, और 4 कहेंगे ही, उन 4 का काम ही क्या है कहना? 4 तो तुमसे कहे, अरे तुम्हारी इसकी तैयारी करने जा रही हो, जी तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब ये गई अपने कपड़े में बैठ के चद्दर दरोड़ के रो रही दिन भर के, हमको मास्टर ने कह दिया हमारा नहीं होगा, क्योंकि समाज में भी तो मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ गई है ना। अब तुम ऐसे समाज में घिरे हो जहां 90% लोग, इसीलिए शिवाजी क्यों महान है, क्योंकि जिसके साथ वो रह रहे हैं गुरु रामदास, मुगल एम्पायर से लड़ना
और वो भी औरंगजेब से, इतना खतरनाक बादशाह, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। तो कोई तो होगा जो पीछे से इंजेक्शन लगा रहा होगा गुरु रामदास। इसलिए तुम महाराष्ट्र जाओगे तो जहां जहां तुम शिवाजी की फोटो पाओगे तो तुम देखोगे कि शिवाजी खड़े हैं और गुरु रामदास उनके बगल में बैठे हुए हैं।